अब अपन ये जॉ लाइन बनाएंगे, ठीक है? तो जॉ लाइन अगर ध्यान से देखो, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है 7 से, इससे निकल रही है कौन सा, 1.6 से, ये थोड़ा लेफ्ट में है किसके, 2.5 के, और ऊपर जाके स्ट्रेट हो रही है ईयर्स पे। तो ये लाइन नहीं है, ये शेडेड रीजन है। तो मेरे को देखना, ये HP पेंसिल ली मैंने, ठीक है, HP पेंसिल ली, इसको ऐसे आगे की तरफ शार्प करके रखा मैंने, मतलब ऐसे थर्माकोल कटर से लेड एक्सपोज। अब मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे इतना रीजन जो है, ये थोड़ा 0.5 सेंटीमीटर के आसपास के रीजन ऐसे ये शेडेड रहता है, ठीक है? तो ये नीचे आ रहा है, कहाँ तक आया, इस पॉइंट से थोड़ा ऊपर, कौन सा पॉइंट, 2.5 से थोड़ा ऊपर, ठीक है, इस तरीके से आया। अब मुझे पता है यहाँ से निकल, यहाँ से ऐसे कर्व होते हुए आएगा, ये कर्व होते हुए ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ऐसे धीरे धीरे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो देख सकते हो मैं ये पूरा हिस्सा ऐसे धीरे धीरे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे उतना हिस्सा शेड कर रहा हूँ। तो तुम लोग को भी ऐसे करना है, हिस्सा शेड करो, तो अपनी जॉ लाइन जो है वो इतने में बन जाती है, ठीक है? बाकी कोई टेंशन नहीं रहता है। हेयर्स का देखो, ये जो जा रहे हैं ना, वो बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेनली क्या बनाने की जरूरत है, जैसे इधर से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, ये तार के लिए, जहाँ पे कलम कहते हैं ना इसे, अपन इसे यहाँ तक ऐसे ऐसे छोड़ दो, तुम्हें वो बनाने की जरूरत नहीं है कि बार यहाँ से आए, यहाँ से ऐसे नीचे करके छोड़ दो, ये हेयर्स ऐसे जाएंगे। अभी अपन को इतना में इतनी डिटेल में नहीं जाना है बनाने में, पहले अपन एक बेसिक शेप बनाएंगे, फिर इरेज करेंगे, फिर अपन जब शेडिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें आएगा ये हिस्सा। ध्यान रखना ये शेडिंग वाला रीजन, और ऐसा नहीं कि पॉइंटेड कर रही है, ये देख सकते हैं कर्व है, ठीक है, ये हिस्सा कर्व्ड है। इस तरीके से अपन ने अपनी जॉ लाइन बनानी है। अब बाल बनाना है, बालों का देखो इधर से आ रहा है 4 से, लगभग लगभग पूरे लाइन नंबर 5 पे है, 5.4 से कितना नीचे रुक रहा है, ये 1.7 सेंटीमीटर, 5.4 से 1.7 सेंटीमीटर। तो ऐसा तुम लोग गलती क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ा और यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन, नहीं, क्या करना, क्या ऐसे देखो मेरे को, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार में नहीं ला रहा, मैं ला सकता हूँ एक बार में, लेकिन नहीं ला रहा मैं, ऐसे धीरे धीरे रफ कर, थोड़ा ऐसे धीरे धीरे कर्व करते करते नीचे आ रहा है, ये थोड़ा इस लाइन के बाहर निकला और थोड़ा वापस अंदर आया इस लाइन पे। ऐसा नहीं है कि इस लाइन में स्ट्रेट चला, हल्का हल्का बाहर निकला, हल्का हल्का अंदर, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे। अब देखो ये यहाँ से निकल रहा है, मतलब यहाँ से इसका मेजरमेंट देखो अगर मैं, तो ये है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 मार्क किया मैंने, फिर नीचे वाले पे मैंने 0.8 मार्क किया, लाइन नंबर 4 पे 0.8 मार्क किया, और ये इस पॉइंट से निकल लगभग लगभग ऊपर निकलते हुए यहाँ रुक रहे हैं। तो मैंने कैसे बनाया, एक बार में ला सकता हूँ लेकिन नहीं लाऊंगा, ऐसे धीरे धीरे जैसे अपन हैचिंग कर रहे हैं या शेड कर रहे हैं, वैसे रफ जो बनाते हैं ना अपन, एक थोड़े बाहर निकल रहे, कोई परेशानी नहीं, ऐसे आके यहाँ रुक गया, ठीक है। तो ये अपने बालों वाला जो पोर्शन रहता है वो हो गया है, आराम आराम से करना है, ठीक है, ये थोड़ा इतना चलेगा, तो ये अपना हो जाता है, इतना करो, ठीक है। फिर अपन जो उंगली है वो बनाते हैं। अब अपन को फिंगर बनानी है, यहाँ से लेके पूरा एक ही फिंगर आ रही है यहाँ से, तो कितना ऊपर से आ रही है, यहाँ से आ रही है 1.5, कौन सी लाइन से, ना लाइन नंबर 4 से 1.5, ओके। फिर ये कितने ऊपर से निकल रही है इस पॉइंट के, 0.4 सेंटीमीटर, 0.4, और यहाँ से ऐसे आगे की तरफ। तो अब ये आता है, अभी कितना लेफ्ट है इसके, मतलब राइट है, ये आता है 1.4 सेंटीमीटर, ये आता है 1.4, मैं अभी बस मार्किंग्स ले रहा हूँ, ये यहाँ से आया और देख सकते हो वापस हो गया। अब मुझे ये देखना है कितने ऊपर है, ये जो वी शेप दिख रहा है ना अपन, कितने ऊपर है, ये है 0.6 सेंटीमीटर, तो मैं लगभग लगभग 0.6 के आसपास ऐसे एक मार्किंग कर दूंगा कि यहाँ पे ऐसे कर्व आना चाहिए। अब ये जो उंगली आ रही है, ध्यान देना, इसे दिख नहीं रहा होगा तो शेड ड्रॉ कर लो, ये 0.5 सेंटीमीटर अपनी, ठीक है, ये है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ मार्किंग दी, ओके। फिर नीचे की तरफ आई, नीचे आई इस पॉइंट से निकल रही है, कहाँ से आए, इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है ये, 5.8, 5.8 से कितना ऊपर है, ये है 0.6, कितना लेफ्ट है, 0.8, 5.68 से है 0.6 सेंटीमीटर ऊपर,
0.8 सेंटीमीटर है लेफ्ट, ठीक है। अब यहां से आई नीचे और यहीं से कर्व हो जाएगी आगे से ऊपर की तरफ आएगी और फिर इस पॉइंट से निकल लेंगे, ध्यान दो इस पॉइंट से निकल लेंगे और यहाँ ज्वाइन करेंगे लेफ्ट में, ये है 0.4 सेंटीमीटर। तो ये पहली जो उंगली अपन बना रहे हैं उसका मेजरमेंट होता है, लेकिन अभी इतना कुछ खास हो नहीं रहा है। ध्यान दो, अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई एक कर्व के साथ, तो अब गलती क्या करो तो एकदम स्ट्रेट लाइन खींच सकते, हल्के फ्री हैंड करो ना कि पहले नीचे की तरफ से आ रही है और फिर ये ऊपर से ऐसे आ रहा है और एक कर्व के साथ ज्वाइन, क्या करते हो पॉइंटेड बना देते हो, धीरे से कर्व आना चाहिए, ठीक है। धीरे से एक कर्व आया, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा ये, फिर ये नीचे की तरफ टर्न हो गया और मुझे पता है यहां तक आना है वो टर्न, तो मैं यहां तक लाया वो टर्न, फिर यहां से कर्व हुआ। अब एकदम देखना है बहुत शार्प कर्व नहीं है, धीरे से कर्व हुआ इधर पे आया। अब ये सब जो स्ट्रेट लाइन सोच रहे एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, सब कर्व है हल्के हल्के, ठीक है। अब देख सकते हो थोड़ा नीचे आके टर्न हुआ ये, तो थोड़ा नीचे आएगा फिर यहाँ की तरफ टर्न होगा, नीचे की तरफ टर्न हुआ ये इस लाइन से। अब देखना बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, तो हल्का सा नीचे आके कर्व हो गए, जो अपना यू शेप आता है जैसे अपन आईब्रो में बनाते थे वैसे ही यू शेप आएगा। अब एक चीज देख लो कि ये फिंगर्स कितनी मोटी है इस नीचे वाली लाइन से, कितना डिस्टेंस है ऊपर वाली लाइन का, यह है 1.2 सेंटीमीटर, मैंने मार्क किया 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि उंगली इतनी मोटी होगी मेरी, तो मैंने ऐसे कर्व किया इस तरीके से, ये कर्व किया। अब ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेट ज्वाइन कर दो, एक और कर्व करो हल्का सा इस पॉइंट से निकला, देखो ये कर्व आया, ध्यान देना ये कर्व है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक का एक कर्व है, यहां से लेके यहां एक कर्व है और ये थोड़ा स्ट्रेट है, तो एक कर्व दूसरा कर्व। अब ऐसे बादल नहीं बना देना, ठीक है, ये यहां से एक और कर्व और ये स्ट्रेट लाइन है हल्के हल्के कर्व के साथ, ठीक है। ये कर्व आया, देखो ये सब जो पॉइंटेड नहीं रखना, ये हल्के हल्के कर्व रहेंगे। अब यहां से देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये कर्व जा रहा नहीं नेक को ज्वाइन करते हुए, ये आ गया नेक का कर्व, ठीक है। तो इस तरीके से एक फिंगर बन जाती है। इसमें जो नील दिख रहा है अपन को नाखून, वो भी हल्का, देखो ये सब कोई बहुत डार्क ड्रॉ मत करना कि गड़बड़ हो गया तो इरेज नहीं करना है, आराम आराम से ड्रॉ कर लो इतना, ठीक है। तो ये अपना एक फिंगर बन जाती है। अब आते हैं नीचे वाली फिंगर पे, इस साथ साथ बनाते जाना। तो देखो यहां से स्टार्ट करना है, इस पॉइंट से हल्का से ऐसे टच कर रही है। अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट से कितना लेफ्ट है 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, कितना लेफ्ट है इस पॉइंट से, ये है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, ठीक है। अभी शर्ट पे जा रही है, तो शर्ट के इस पॉइंट से कितना नीचे है, ये है 1.3 सेंटीमीटर, तो ये 1.3 मार्क किया, ये थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो 0.3 सेंटीमीटर यहाँ पे है, कितने ऊपर है ये आएगा 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 आया, 0.8 सेंटीमीटर यहाँ मार्क किया, और थोड़ा यहाँ से ऐसे कर्व हो गया। तो बनाना कैसे है, देखो पॉइंट्स लेना आसान है, पॉइंट्स तो तुम्हें अगर मान लो बीच में किसी इस पॉइंट का भी लेना हो कि ये कहाँ एंड हो रहा है, तो एक्स एक्सिस में कितना ऊपर है, वाई एक्सिस में कितना राइट है, वो लिख सकते हो। मेन आता है ये देखो, ये बाहर की तरफ आया कर्व के साथ, अंदर की तरफ हो गया ये, देख सकते हो, ध्यान देना। अब नीचे की तरफ है तो ये कर्व है, अभी जो स्ट्रेट लाइन बना रहे थे, ठीक है, अब ये कर्व है, ठीक है, डिफरेंस देख रहे हो, ये उंगली थोड़ी फूली हुई है, और यहां से स्ट्रेट आया, यहां पे देखो एक कर्व है, ये पीछे से आया एक कर्व है, आगे की तरफ थोड़ा स्ट्रेट है और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहां इस पॉइंट से निकलेगा फिर एक कर्व के साथ ज्वाइन होगा ऐसे, ओके। तो ये उंगली बनती है, नाखून बनाना है अपन को, तो उससे पहले ये अंदर का जो पार्ट है शर्ट का था वो इरेज कर लो, नाखून बहुत बड़ा नहीं बनाना, देख सकते हो इस लाइन के अंदर ही है शर्ट वाले, ऐसे कर्व के साथ आराम से इस लाइन के अंदर ही है, तो ये अपना नाखून बन जाता है, ओके। तो ये वाली फिंगर अपनी ड्रॉ हो जाती है।
तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, देखना डिस्टेंस है थोड़ा अपना, ये नहीं भी बनाओगे तो इस शेडिंग में हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो अपन को मेजर मेजर डिस्टेंस मार्क कर लो, जैसे ये 0.5 सेंटीमीटर है, ये कितना है, ये 1.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से मैंने 0.5 और 1.1 मार्क करूंगा, 1.1 यहाँ हुआ और ये 0.5 यहाँ हुआ, ठीक है। थोड़ा नीचे आएगा, कितना नीचे आया, ये आया 0.9 सेंटीमीटर, कर्व होके वापस गया, ये आया 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आगे गया मैक्सिमम, वो था 0.9 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम का मतलब क्या है कि अपना जो कर्व है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ आ गया। गलती से क्या होता, अपन उंगली बहुत आगे कर देते तो ये वाली उंगली बड़ी हो जाएगी, जबकि ये लगभग लगभग लेवल में रहनी चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट के थोड़े से ऊपर से निकल रहा और यहाँ आगे से ट्राई, तो देखना यहाँ से हल्के से कर्व से, जैसे ये वाला कर्व है देख सकते हो, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, जैसे ये नीचे की तरफ है, इसके ऊपर एक कर्व ऊपर की तरफ से आएगा ऐसे, ठीक है। बीच में थोड़ा डार्क सा पार्ट है लेकिन मेनली ये है। अब ये उंगली ऐसे कर्व होके यहाँ आएगी, हल्के से कर्व, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है और एकदम बहुत ज्यादा भी कर्व नहीं है, हल्का सा कर्व है। ये कर्व होएगा, हल्के से कर्व से ऐसे आएगा, देखो अब इसमें भी कर्व है, ऐसे एक हल्का सा कर्व ये है, एक ये है और फिर ये ऊपर जा रहा है। अब ये मत करना कि बादल जैसे बना दो, मैं बार बार बोलो हल्का सा कर्व ये है, पता नहीं चलना चाहिए कि दूसरा कर्व, ऐसा नहीं कि पॉइंटर रहे, कर्व ये है फिर ये है और फिर ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नाखून बनाएंगे अपन, तो नाखून का प्लेसमेंट याद रखना, एकदम बहुत नीचे नहीं करना अपन, नाखून यहाँ आ रहे हैं एकदम, इससे चिपकाना भी नहीं है, धीरे से कर्व करके इस पॉइंट से आ रहे हैं मेरे नाखून, ऐसा नहीं इसका बड़ा इसका छोटा ऐसे हो गया, ये गलती मत कर देना। अब देखना उंगलियों पे हल्की हल्की यहाँ डिजाइन ही आ रही है, ये आते हैं ना इस तरीके से थोड़े थोड़े यहाँ पे आ गए, तो ये भी बना लो हल्के, बहुत ज्यादा डार्क नहीं बोल रहा हूँ मैं, नाखून के नीचे इस तरीके से आ जाते ना ये वाले जो रहते ना ये उंगलियों पे, तो ये बनाने अपन को हल्के से, ठीक है। इस तरीके से अपनी दूसरी उंगली बस्ती, सिर्फ एक फिंगर, तो उसको भी देख लेते हैं अपन साथ साथ, 0.7 सेंटीमीटर यहाँ से, 0.7 सेंटीमीटर यहाँ से, ओके 1.3 सेंटीमीटर इस लाइन पॉइंट के नीचे, ध्यान देना सब, फिर यहाँ से निकलेगी ये, कितना है ये 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, कितना नीचे है इस पॉइंट के, ये है 0.8, ये है 0.5, ये है 0.8, ये मार्क किया 0.5, ठीक है। और कितना ऊपर से निकल रही है उसके, ये भी 0.5 है। अब अपन को एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस उंगली की विथ कितनी है, मतलब कितनी चौड़ाई है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से थोड़े कर्व के साथ आई, इस तरीके से ज्वाइन हो गई, जैसे ये कर्व थे वैसे यहाँ पे भी एक कर्व आएगा अंदर की तरफ का, ओके नीचे से ऐसे, ये कर्व रहेगा ऐसे नीचे से, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर रखना है मुझे एक हिसाब, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा ऐसे, तो हल्का सा देखना एक कर्व ये रहा और एक कर्व ये रहा, यहाँ से निकलेगी एक कर्व ये रहा और हल्का सा जाएगा एक कर्व ये रहा, ठीक है। अपनी ये नाखून बना देंगे अपन, पॉइंटेड कुछ भी नहीं रखना, ठीक है। ये जो आ रहे हैं ना कर्व अपना, यहाँ से ये देखो ये जो नेक का कर्व आ रहा उसका कंटिन्यूएशन ये ऐसे, ऐसा नहीं कि ये जो कर्व है ये आगे रहे ये पीछे रहे, वो नहीं होना चाहिए। और हल्का सा ये देख सकते हो ये का क्लोजिंग जिस तरीके से हल्का हल्का ये एरिया शेड कर लिया, फिर देख सकते हो ये अपनी फिंगर्स जो है इस तरीके से बन जाती है, ठीक है। तो हल्का हल्का फिंगर पे देख सकते हो यहाँ पे जो डिजाइन सी है ना उंगलियों पे रहते हैं, ये मैं शेड करके बना रहा हूँ, मैं इसे बहुत डार्क नहीं बना रहा, ठीक है। ये शेडिंग का पार्ट रहता है हाईलाइट में, तो इतना बना लो, उसके बाद यहाँ पे हल्के हल्के जो बाल हैं। अब अपना बस एक चीज बचती है, वो है ये जो बाल निकलते हैं, ये अभी बनाना जरूरी नहीं है, बाद में बना सकते हैं,
लेकिन अपन अपनी रेफरेंस के लिए अभी बना, जो हल्के हल्के ऐसे निकल रहे ना, तुम्हें शर्ट पे ऐसे ही लाने की जरूरत नहीं है, बाल ध्यान से यहाँ पे ये वाले इस तरीके से आ रहे हैं ना मंच पे, थोड़े यहाँ पे आके ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़े यहाँ जा रहे हैं इस तरीके से, ये थोड़े यहाँ आ रहे हैं, थोड़े इस तरीके से बना लो, ठीक है, दिल्ली ये यहाँ यहाँ जो आ रहे हैं इस तरीके से अपन बना लेते हैं। ओके, तो ये अपना जो स्केच है मतलब अपने जो बना रहे हैं इसका आउटलाइन ग्रिड मेथड की मदद से कम्प्लीट। ओके, अब अपन को क्या करना है, अपन को ये ग्रिड इरेज करनी है, ठीक है, और कल फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी शेडिंग चालू करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, ड्रॉ कर लेना और ग्रिड इरेज करके आना नेक्स्ट क्लास में।